जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अमेरिका और इंडिया रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे, या यूं कहें रिलेशंस वैसे कॉर्डियल नहीं चल रहे जैसे हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि अमेरिका इंडिया को एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह देखे और इंडिया मतलब अमेरिका भी ऐसे कुछ सिग्नल्स भेजे जिससे इंडिया भी अमेरिका को एक अच्छे और विश्वसनीय दोस्त के रूप में देख सके। लेकिन अमेरिका की कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से इस टाइम पर इंडिया के लिए एक ऐसी टेंशन का माहौल बन चुका है कि इंडिया चाह कर भी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा। और उसी में एक नया स्टेप जो अमेरिका की तरफ से लिया गया वो साफ नजर आ रहा है, वो क्या है इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं मेरे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे IAS PCS हो गया, UPS IAS UPSC हो गया, या फिर कोई भी PSC हो गया, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर GSK क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो हमारा ये जो कोर्स है ये NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स करवाने वाला जो कोर्स है जिसे हम NCERT कंसेप्टर बैच कहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स हम आपके इस लेवल पर प्रिपेयर करवा देंगे कि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टेंशन नहीं होगी, चाहे उसमें CUET है, नेट GRF है, अग्निवीर है, रेलवे SI, रेलवे SI वैसाई, जो भी आप जहां पर भी GS आती है, ठीक है। अब इसमें रही बात किस तरीके से होगा, 5 महीने का कोर्स है जिसे हम 1 साल तक की ड्यूरेशन के लिए आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। इसमें फुल फीस जो है वो 500 रुपीज कंप्लीट कोर्स की फीस रखी है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा मिनिमम है। तो जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट कीजिए ताकि मतलब हमारी ऐप जो स्टडी टेबल है उसे डाउनलोड कीजिए, या फिर दिए गए नंबर्स जो हैं 9911119407 इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी और जल्दी से जल्दी आप हमसे जुड़ पाएंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। असलियत में प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया कभी भी अमेरिका का पिछड़ा नहीं बनना चाहता, और अमेरिका की पहले दिन से आदत है कि उसका कोई भी देश अगर है, दोस्त है, तो वो पहले उसका पिछलग्गू बने, उसको यस सर करके बुलाए और उसके ऑर्डर्स को इस हद तक फॉलो करे कि जैसे पूरी सिचुएशन के अंदर अमेरिका कहे कि उठ जा तो उठ जा, अमेरिका कहे कि बैठ जा तो बैठ जा। यानी ये एक सिचुएशन इस तरीके की है कि अमेरिका हमेशा अपने किसी भी दोस्त को दोस्त ना समझ के एक तरीके से कुत्ता समझता है और पूरे तरीके से उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेने की कोशिश करता है। लेकिन इंडिया पहले दिन से, जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया की सिचुएशंस एक अलग ही लेवल पर है। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया और अमेरिका की क्यों नहीं बनती। लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो नया कांड क्या है, वैसे तो अमेरिका के शुरू से आखिरी तक और जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से इंडिया और चाइना का 36 का आंकड़ा चालू हो चुका है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये लोग भिड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले दिन अगर आप देखेंगे तो जैसे ही यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी को अटैक किया, तो पूरी दुनिया खासकर यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज हमारे देश के ऊपर दबाव बनाने लगे कि आपको कैसे भी करके रशिया का क्रिटिसिज्म करना है। अमेरिका, हमारे एस जयशंकर सर ने साफ जवाब दिया कि हम वही जवाब आप लोगों के लिए तैयार रखते हैं जो आप लोग हमारे देश की लड़ाई या साउथ एशिया में या दुनिया के किसी भी हिस्से में लड़ाई होती थी तब, कि आप लोग ट्रेड बढ़ाओ, आपके बीच में व्यापार अच्छे से हो जाएगा, आप लोग ट्रेड बढ़ाओ, आपके बीच में शांति स्थापित हो जाएगी। और दूसरा एक बहुत फेमस सा स्टेटमेंट के यूरोप्स प्रॉब्लम इज एवरीवन्स प्रॉब्लम एंड अदर वन्स प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, ऐसा एक बहुत बढ़िया सा स्टेटमेंट जो एस जयशंकर सर ने दिया, वो टके सा जवाब शायद यूरोप के हर स्ट्रेटेजी मेकर को उस वीकेस्ट पॉइंट पर, उस पे सबसे ज्यादा पेनफुल पॉइंट पर जाकर हिट किया था जो इन्हें सुनने की कभी आदत थी नहीं।
वहीं जब रशिया से ऑयल की बारी आई तो एस जयशंकर सर ने क्लियर वर्ड्स में एक टके सा जवाब दे दिया कि देखो भैया समस्या को समझो, आप जितना एक दोपहर तक तेल मंगा लेते हैं रशिया से, हम पूरे महीने में उतना तेल नहीं मंगाते, पहले आप अपने बिल को देखो बाद में हमारी तरफ देखना। इसी तरीके से जब अमेरिका के साथ भी मामला आया तो ऐसे बहुत सारे मामले आए जब अमेरिका ने इंडिया को कंटेन करने की, दबा के रखने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया ने कभी भी अमेरिका को पिछलग्गू बनने की कोशिश नहीं करी, अमेरिका का पिछलग्गू बनने की कोशिश नहीं करी। आप यूं कहें कि हर कदम पर अमेरिका को ये बताने की कोशिश करी कि हम आपके पिछलग्गू देश नहीं है, हम दोस्त तो बन सकते हैं, हम आपके कंधे मतलब हम आपके पिछलग्गू नहीं बन सकते, हम आपकी उंगली पकड़कर नहीं चल सकते, हाथ पकड़कर चल सकते हैं और दोनों बराबरी के तौर पर चलेंगे। अब ऐसे में अमेरिका जो है वो चिढ़ना स्वाभाविक था। अब यहां एक डिप्लोमेटिक या यूं कहें जियोपॉलिटिकल चेंज जो सबसे बड़ा था, जब तक कि इंडिया पाकिस्तान में इमरान खान सरकार थी लगभग जुलाई तक, जब तक अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान सरकार थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम अब इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में नहीं थी, क्योंकि इमरान खान जो था वो अमेरिका के टोटली एंटी था और यूं कहें कि पाकिस्तान चाइना के बहुत ज्यादा करीब था। लेकिन अब एकदम से ऐसा हुआ कि अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ चुकी है जो प्रो अमेरिका है, अमेरिका से रिलेशन सुधारने की तैयारी में है, कैसे भी करके अमेरिका से अच्छे रिलेशंस बनाने की तैयारी में। इसका एक अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि जो बाइडन इंडिया के बारे में बहुत अच्छी सी अप्रोच नहीं रखता, कि जो बाइडन के इंडिया के अंदर सॉरी जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया के अंदर 18 महीने तक 19-20 महीने हो चुके हैं शायद, अब तक कोई राजदूत अपॉइंट नहीं हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी अगर इंडिया में अमेरिका का कोई एम्बेसडर नहीं है, यानी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू को या इंडिया अमेरिका के रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए किसी एक इंसान को यहां अपॉइंट नहीं किया गया है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि रिलेशंस के अंदर कहीं ना कोई खटास है, कोई ना कोई तलखी है। वो ऊपर भले ही कई महीनों तक लगभग 1.25 साल तक जब तक रशिया और यूक्रेन वॉर नहीं हुआ तब तक तो सामने नहीं आया, लेकिन एकदम से अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बयानों के अंदर तलखी है और ये बयानों में तलखी अमेरिका की तरफ से कम और इंडिया की तरफ से ज्यादा है, वो साफ नजर आ रहा है कि रिलेशंस अच्छे नहीं। वहीं इन रिलेशंस का फायदा कहो या अमेरिका को पाकिस्तान में एक और दोस्त पाकिस्तान के रूप में जो पुराना दोस्त था वो दोबारा मिलता हुआ नजर आ गया, वो कहो कुछ भी कहो, लेकिन है मामला ऐसा कि इस समय पर पॉलिटिकल सिनेरियो एक चेंज हो चुका है और जिस तरीके से अमेरिका की स्टेप्स को देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में कोई डाउनफॉल नहीं आया है लेकिन कोई प्रोग्रेस भी नहीं हुई है, एक तरीके से स्टैटिक रिलेशंस हैं, जहां पर थे वहीं पर रुके हुए हैं, ना वहां से आगे बढ़ रहे ना वहां से पीछे हट रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसा पाकिस्तान में जैसा अमेरिकन कंपनीज को इच्छा मतलब एक उम्मीद थी कि इंडिया चाइना की लड़ाई होगी, वो नहीं हो पाई, इंडिया चाइना के बड़ी वेपन इंडस्ट्री मतलब वेपन्स को बहुत बड़े लेवल पर परचेज करेगा, वो एक बार को तो परचेज हुए उसके बाद वो भी रुक गए और इंडिया ने जो है वो सेल्फ डिफेंस के ऊपर या मेक इन इंडिया के ऊपर जिस तरीके से फोकस करना शुरू किया, इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर जिस तरीके से फोकस करना शुरू किया वो अपने आप में अल्टीमेट था, और जिस तरीके से ये सिचुएशन थी उसका आउटकम साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि भाई आने वाले समय में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बढ़ सकते हैं क्योंकि ट्रेड बढ़ेगा और खासकर डिफेंस का जो ट्रेड है वो बढ़ेगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया और साफ कहा कि भाई इंडिजिनस लेवल पर डेवलप होगा और सारे का सारा मेक इन इंडिया बनाने की कोशिश करेंगे, बल्कि ना केवल मेक इन इंडिया बनाएंगे लेकिन एक्सपोर्ट भी करेंगे। यहां से अमेरिका की चिढ़ना स्वाभाविक तौर पर साफ नजर आ रहा है।
हालांकि इंडिया को एक बहुत स्पेशल स्टेटस है, इक्विवेलेंट टू नाटो से लेकर सब चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान से डील किया जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रेफरेंस देकर एक सिग्नल दिखाने की कोशिश की जा रही है दो मामलों में, कि F-16 के मामले के अंदर $450 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का सीधा सीधा मतलब ये है, मतलब एक तरीके का पैकेज देने का मतलब ये है कि आपके F-16 फाइटर जेट्स को हम उनकी सर्विसिंग वगैरह करेंगे, हवा हवा जो भी होता है उनका सारा तेल ग्रीस वगैरह लगा देंगे, $450 मिलियन। अब इंडिया का यही कहना है कि, और दूसरा पाकिस्तान को सपोर्ट करना, यहां तक कि प्रेज करना कि शाबाश पाकिस्तान, आप तालिबान के अगेंस्ट बहुत अच्छा एफर्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट दे रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर का मतलब जिसकी वजह से इस लेवल इस एरिया में बाकायदा ऑफिशियली पाकिस्तान को प्रेज किया गया है कि इस एरिया में जिस तरीके से स्टेबिलिटी को मेंटेन करके पाकिस्तान ने रखा है वो काबिले तारीफ है, इंडिया इस चीज से भी चिढ़ा हुआ है। लेकिन इंडिया को चिढ़ाना भी तो एक ऑब्जेक्टिव है, इंडिया को ही तो चिढ़ाना है और यही तो कांड है। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा कांड ये कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के जो कमर जावेद बाजवा है इनको ऑफिशियल मीटिंग पे बुलाया और कई दिन तक वो वहां पर रहेंगे। अब कयास इसमें कितने भी लगाए कि भाई वो वहां रहकर अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे, अपना जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे या कुछ भी, लेकिन असलियत में अगर आप देखें तो असलियत में यहां मामला ये है कि कमर जावेद बाजवा जो हैं वो भाई असली पावर अभी तक इन्हीं के पास रही है। आर्मी का चीफ अगर अमेरिका 3-4-5 दिन रहता है तो इसका मतलब ये है कि कोई लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी डिस्कस हो रही है। वो क्या हो रही है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि भाई वो तो वो जाने, लेकिन उसका तो रिजल्ट अभी 2-4-5 साल बाद हो सकता है, 1 साल बाद आना शुरू हो सकता है 4-5 साल बाद आए, लेकिन एक रिजल्ट जरूर आएगा कि पाकिस्तान के साथ ऐसी क्या डिस्कशन की जा रही है, ऐसी क्या डील की जा रही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, और जैसे जैसे अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस स्ट्रांग होंगे उसका सीधा सीधा असर जो है, अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशंस अगर स्ट्रांग होंगे तो उसका सीधा सीधा असर इंडिया पर दबाव के रूप में देखा जाएगा। और ये जो कांड है अमेरिका का पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर वहां 4-5 दिन उनको रोकना, उनसे बातचीत करना, नई नई प्लानिंग करना, वो इंडिया के लिए टेंशन बढ़ा रहा है कि इंडिया को अपनी पॉलिसी दोबारा से एक तरीके से रीअलाइन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि हमारे विदेश मंत्री भी लगभग 11 दिन अमेरिका रह के आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड टाइम है कि इतने लंबे टाइम तक विदेश मंत्री अगर अमेरिका के अंदर है, दुनिया के अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे टाइम में अमेरिका से भी मिले होंगे, और अगर वो अमेरिका से ऐसे टाइम पर मिले हैं और अमेरिका के साथ भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अलग ही लेवल पर पक रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी सिचुएशन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका इस चीज में कामयाब हो जाए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और चाइना जो है उसका पाकिस्तान से वो संबंध टूट जाए जो टूटना नहीं, मतलब चाइना कभी नहीं चाहेगा कि टूट जाए। यही एक खिचड़ी जो है वो इस समय पर पक रही है। लेकिन कमर जावेद बाजवा का अमेरिका जाना हिंदुस्तान में तो काफी कुछ सिचुएशंस को, जब तक कि अंदर खाते कोई डील ना हो गई हो तब तक खटकेगा कि असलियत में जा क्यों रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की करीबी इंडिया के ऊपर एक अलग ही लेवल का प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा दोस्तों वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अमेरिका इंडिया के ऊपर अब एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। बाकी वक्त बताएगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दूसरा और इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, आपका ओपिनियन क्या है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।